नमस्कार, मैं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ हॉट। आज हम आ चुके हैं बारून बाजार में, पुनः छोटन बाबा से बात करेंगे और ये हमारे प्रिय मित्र कन्हैया जी का ये रानी अलंकार ज्वेलर्स जिसके प्रोप्राइटर कन्हैया जी हुए और आज हम बात करेंगे दशहरा पर्व को लेकर छोटन बाबा जी से। तो स्वागत है बाबा हमारे चैनल में आपका। आपको भी श्रवण जी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2-3 वर्षों बाद पूरे भारतवर्ष में इतना धूमधाम से इस बार दशहरा पूजा का पर्व मनाया जाएगा, इस पर क्या कहना चाहिएगा और इसका शुभ मुहूर्त कब स्टार्ट हो रहा है? इसका शुभ मुहूर्त 26 तारीख से है जी। 26 सितंबर का कलश स्थापना है जी जी, और पूरे 10 दिन का दशहरा है। कभी कभी तिथि हान हो जाने के बाद 9 दिन भी दशहरा होता है ना, इस बार पूरे 10 दिन का दशहरा है। अच्छा। 26 तारीख के कलश स्थापना और 5 तारीख का विजय दशमी है। कभी कभी देखा गया कि बीच बीच में एक ही, कभी पंचमी षष्ठी एक दिन हो जाता है, कभी सप्तमी अष्टमी एक दिन हो जाता है, इस बार ऐसा कुछ नहीं है ना? इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार पूरे सब 10 दिन की दशहरा है जी जी। तो इसमें हुआ क्या है अब हर बार कि 4 तारीख को नौवीं और दसवीं दोनों है, जैसे 1:30 बजे तक, 1:00 कुछ मिनट तक नौवीं, उसके बाद दसवीं जी जी आ जा रहा है, लेकिन विजय दशमी का मान 5 तारीख को ही होगा। आपके माध्यम से सभी श्रद्धालु गण को, भक्त से अनुरोध है कि माता रानी को सभी लोग श्रद्धापूर्वक पूजन करें। जो लोग बाबा पाठ सुनते हैं 9 दिन का, तो बाबा कौन सा शुभ मुहूर्त है कि मतलब कितना बजे से सुबह सुबह सुन सकते हैं, सुबह से शाम तक शुभ मुहूर्त कब है? इसका नाम है नवरात्रि जी। 9 दिन पूरा शुभ मुहूर्त है, इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है। जहाँ मंडप का पूजा होता है, जहाँ माता जी रखाती हैं प्रतिमा, उसके लिए अभी जित मुहूर्त होते हैं कलश स्थापना के लिए, और उनका प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त होते हैं जो 2 तारीख को है सप्तमी। 26 तारीख को कलश स्थापना होगा और 2 तारीख के माता जी के पट खुलेंगे। सभी श्रद्धालुगण, माताएं, बहन भाई बंधु लोग, इस बार अच्छा मौका मिला है। 2 साल से विगत कोरोना से लोग नहीं खुल करके कर पाए, चाह करके भी, इस बार सभी माता रानी सबको हर जगह सही रखे हैं बाबा। ये नवरात्र पूजा जो हमारे भारतवर्ष में इतना धूमधाम के साथ लोग, सभी लोग माता जी का आराधना करें, पूजा करें, कलश घर में रखे या न रखे, फोटो रख कर करके ही माता जी की पूजा करें। 9 दिन शक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ सभी माताओं को पूजन करें, माता को पूजन करें। अब पूजा श्रद्धा का चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कलश रखेंगे ही, पाठ करवाएंगे पंडित जी से ही तभी जा कर के पूजा होगा। अपने से भी लोग, दुर्गा चालीसा है, दुर्गा चालीसा के पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पुस्तक है वो भी हिंदी में लिखा हुआ है, पाठ करें। जिसको जितना श्रद्धा हो, सभी लोग से, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि सभी लोग श्रद्धा से माता जी की आराधना करें, पूजा करें और माता रानी सबको सुख शांति समृद्धि दे, यही हमको कामना है। श्रवण बाबू धन्यवाद।